पिछावर का सरकारी अस्पताल डॉक्टर और नर्स की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अव्यवस्थाओं के चलते अस्पताल खुद ही बीमार हो गया है। अस्पताल में मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है। मरीज अपना इलाज निजी अस्पतालों में कराने के लिए विवश हो रहे हैं। मांग के बावजूद अस्पताल में बेड नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। आदर्श न्यूज के लिए इछावर से राहुल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से 20 किलोमीटर दूर इछावर में। और इछावर स्वास्थ्य केंद्र का आज हम जायजा लेंगे कि क्या इछावर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कैसा क्या चलता है और क्या व्यवस्था है, आइए हम जानते हैं। कितने दिनों से भर्ती में है? 2 दिन। कैसा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, सभी नर्सें वगैरह सब प्रॉपर आते हैं, अच्छे से इलाज, अच्छी व्यवस्था है हॉस्पिटल में? अच्छा इलाज चल रहा है? अच्छा, आराम हो गया। कितने देर, कब से आए आप? आज आए, रात या गई रात तो शाम बड़ी मुश्किल से कटी। यहाँ पर क्या है कि प्रतिदिन जो है करीब 5 से 7 डिलीवरी होती है पर डे, और लगभग 150 से 200 डिलीवरी एक माह में होती है। एक तो डिलीवरी के पेशेंट भर्ती रहते हैं, दो करीब 8-10 बेड तो उन्हीं को चले जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे मरीज भर्ती होते हैं जिनकी जिनके लिए दूसरे वार्ड में व्यवस्था है, प्राइवेट वार्ड भी हैं यहाँ पर।